अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लड़के ने अनिरुद्ध आचार्य से एक सवाल किया कि मरा हुआ तो बता नहीं सकता और जो जिंदा है उसे पता नहीं, तो फिर नरक और सुअर की खोज किसने की, नरक और सुअर किसने देखा है? अगर ये सच है कि नरक और सुअर है तो किसने देखा है? तो अनिरुद्ध आचार्य ने इस लड़के को क्या जवाब दिया? तो डॉक्टर जाकिर नाइक से भी एक हिंदू शख्स ने ऐसा सवाल किया, तो आइए हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से मालूमात मिल सके। तो बिना टाइम जाए के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कि मरा हुआ तो बता नहीं सकता और जिंदे को पता नहीं है, फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? नरक और स्वर्ग की खोज किसने की? हाँ। आपने महाराणा प्रताप को तो देखा होगा अपनी आँखों से। आपसे मिले हैं महाराणा प्रताप? नहीं, किताबों में मिले हैं। किताबों में मिले हैं? जैसे आपको महाराणा प्रताप किताबों में मिले हैं, वैसे स्वर्ग नरक वेद पुराणों में मिले हैं। अब आप किताबों में लिखे महाराणा प्रताप को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार स्वर्ग नरक हमने किसी ने देखा नहीं, मानते हैं। इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता, उसी प्रकार वेद पुराणों से बड़ा कोई गवाह हो नहीं सकता। वो गवाह है इस बात के कि जीव लिखा है इसलिए लिखा। फिर पुराणों में भी किसी ने तो ढूंढा होगा उसको, स्वयं भगवान। वेद पुराणों को किसने लिखा? स्वयं वेद व्यास जी, भगवान नारायण ही व्यास जी के रूप में अवतरित हुए। हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर स्वर्ग और नर्क है तो कौन देखा है, कौन जाके आया है और कहां पर है वो? अगर कोई गया है, किसने बोला है? मेरा माथा काम नहीं करता है, कहां है? मुझे कभी कभी लगता है कि ना भगवान है ना खुदा है, अगर नहीं भी माने फिर भी वो हमें सब कुछ देगा। क्यों हम लोग वेट करते हैं हिंदू मुसलमान बनने के लिए, ऐसा लगता है हमें। तो हमको बहुत जानकारी अभी बाकी है, हम जानना चाहते हैं कि मैं कभी सोचता हूँ कि खुदा है क्या नहीं है, क्यों लोग आपस में झगड़ते, स्वर्ग है क्या नहीं है, किसने देखा स्वर्ग है क्या नहीं है, तो क्या करना क्या जानना? भाई साहब आपने कभी किसी को 10 माले से खुद ही मारते देखा? भाई साहब नहीं देखा, तो 10 माले से खुद ही मारेंगे? मारो खुद ही ना, क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि मर जाएंगे। नहीं देखा फिर भी यकीन है? आपने किसी को मरते हुए देखा 10 माले से खुद ही मारते हुए? नहीं सर, सुना सिर्फ ना, सुना। यकीन क्या है ना, अपने बुद्धि पे। तो यही चीज, सब चीज देखना जरूरी नहीं। मैं स्वर्ग को देखूंगा तो ही मानूंगा। क्या आपको अमेरिका जाना जरूरी है मानने के लिए? अमेरिका ही क्या, नहीं। आज टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है भाई साहब, आप 10 माले से खुद ही मार के एक आदमी को मरते देखेंगे फिर ही बोलेंगे अच्छा 10 माले से खुद ही मारेगा तो इंसान मर जाएगा? ये जरूरी नहीं देखना, अपने बुद्धि से आपको इम्तिहान लेने पड़ेगा, क्या बात सच है क्या बात गलत है। तो आप जब पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं जो आपकी बुद्धि को नहीं संतुष्ट करता है आप उसमें नहीं मानते, तो ऐसे शास्त्र पढ़ो जो आपकी बुद्धि को मनवाएगा। और मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद, आज अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से कुरान मजीद चेक करते, कुरान मजीद में एक भी आयत नहीं जो साइंस के खिलाफ है। आज आप 80% चीज मिसाल के तौर पे साइंस के जरिए कुरान मजीद की साबित कर सकते, 20% एम्बिग्यूस है, नीदर सच नीदर गलत। मिसाल के तौर पे साइंस ने आज ये साबित नहीं की क्या स्वर्ग है या नरक है, बराबर। साइंस ने ये भी नहीं साबित की कि दूसरी जिंदगी है, पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अगर 80% 100% सही है, 20% डाउटफुल है, नीदर राइट नीदर रॉन्ग, मेरी लॉजिक कहती है कि इंशाल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। ये अंधविश्वास नहीं है, ये लॉजिकल विश्वास है। तो कुरान में बाकी साइंटिफिक फैक्ट के अलावा ये भी लिखा है कि स्वर्ग है नरक है। तो ऐसी किताब पढ़ो जिससे आपका मन संतुष्ट हो। आप कुरान मजीद पढ़ो, इंशाल्लाह आपको यकीन आएगा स्वर्ग और नरक में। आप आके कुरान मजीद ले सकते भाई साहब। सर, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि स्वर्ग और नरक अपना दिल में है, तो ये कैसे बोल दिया? ये बहुत बड़ा पंडित है स्वामी विवेकानंद ना, कि खुदा है क्या? आप वेद की बात मानेंगे स्वामी विवेकानंद की बात मानेंगे? सर, हम लोग यंग तो बहुत उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई आदमी ने गलत किया, इंसान गलती कर सकता है क्या नहीं? कर सकता है सर, कर सकता है। तो कोई इंसान कुछ चीज कहता है, आपको देखने पड़ेगा वो सही है क्या गलत है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती क्या, तो बोलूंगा सॉरी भाई, इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, कर सकते क्या नहीं? तो अगर स्वामी विवेकानंद ना वेद के खिलाफ बात करे तो उसकी बात मत मानो, जो बात वो वेद के मुताबिक करते हो बात मानो। आप समझ रहे, मेरा भी कोई जुमला मिला जो कुरान के खिलाफ है, मेरे जुमले को भी फेंक दो ना, स्वामी विवेकानंद ना दूर की बात है। मैं अगर कुछ कुरान और सही हदीस के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मेरी बात भी मत मानो। मेरा 2 स्टैंडर्ड है, मेरा डबल स्टैंडर्ड है, 1 स्टैंडर्ड है। जो खुदा ने बोला खुदा की किताब को मानो, उसके ऊपर अमल करो। लोग अक्सर आपको खुदा की किताब से दूर लेके जाते, मैं यहाँ आया हूँ लोग को खुदा की किताब के नजदीक लेके आने के लिए। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है, सबका मंजिल जो है खुदा।
वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप है। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूँ, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूँ, मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूँ आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने, आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूँ। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान है। और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद करमना बनी आदम, कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पियेंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो पियेंगे? नहीं सर। हाँ के नहीं? नहीं सर। हाँ के नहीं? नहीं, नहीं पियेंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालाव इला कलिमतिन सवा इम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूँ कि कम अज कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम अज कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में? हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्व धर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन फादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूंगा, अगर सब धर्म एक है तो तुम मुस्लिम बन जाओ, पंडित बनेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूंगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूंगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूँ सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम अज कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूँ, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूँ। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूँ मैं, अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूँ और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर क्रिश्चियन मींस अ पर्सन हु फॉलोस द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसा अब उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूँ मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सोर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनोमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदा चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2-5 में लिखा है सोर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिशिएंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में कि शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती।
तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था, अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते जाता था, जब अरब आए तो यहाँ कहने लगे हिंदी हिंदी, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से, इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूँ सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए, अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने, तो हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूँ। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूँ मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, जो यक्षा ने थे उसके ऊपर अमल करता हूँ। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना, फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए, आपकी दिशा ही गलत है। तो पहले मंजिल को तो तलाश करो, मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। हां, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे, जब वो शख्स आएगा, ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू इनटू ऑल ट्रुथ, वो जब आएंगे वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगे वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहि सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में ईसा अलैहि सलाम का जिक्र है 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहि सलाम का, तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं ये कहता हूँ सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है, कम से कम कॉमन पे तो अमल करो, जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे, बोलते मैं धार्मिक हूँ, तो धार्मिक किधर हुए आप, जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, कॉमन ये लिखा का जुआ खेलना हराम है, ये सब जो कॉमन है। आप मेरी तकरीर सुनिए, इस्लाम और ईसाइयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगे और असल भाईचारा रहेंगे। दोस्तों, इस लड़के के सवाल का मतलब ये था कि इस दुनिया में जो लोग जिंदा हैं उसे तो जन्नत और जहन्नम के बारे में बिल्कुल पता नहीं, और जो लोग मर चुके हैं और जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं वो लोग तो बता नहीं सकते कि जन्नत और जहन्नम कहाँ है। तो फिर जन्नत और जहन्नम की खोज किसने की? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।